Good morning everyone. I hope you all are fit and fine at your home. So welcome back to the science class. As you all know that we are doing the exercises of lesson number 5, acids, bases and salts. So today also let's continue with the exercises. Today I'm going to explain you the answers of HOTS question and the value based question. So please try to understand it. So let's do first exercise L, that is HOT question. Question number first is, our stomach contains hydrochloric acid which does not harm the stomach. Give the reason. This we have read in earlier lesson number 2, nutrition in animals also. While reading about the stomach, we have studied that our stomach produces hydrochloric acid. Hydrochloric acid stomach produce karta hai, kyun produce karta hai? To kill the germs that enters our mouth through food. जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय कुछ जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, उसको किल करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन है. अब एसिड है तो कुछ ना कुछ डैमेज होगा, क्योंकि एसिड क्या होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो कोरोसिव है नेचर में. फिर भी स्टमक के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारे स्टमक को उससे कुछ हार्म क्यों नहीं होता है? Because our stomach is protected by the lining of mucus. Mucus की lining से जो stomach का walls होती हैं उसमें mucus present होता है. तो mucus का function है जो हमारे stomach में hydrochloric acid produce हो रहा है उसके effect से बचाना. So the answer is, the acid does not harm the stomach because its walls are protected by the mucus lining. I hope the answer is understandable to you. Second question is, there is some problem in this question. You need to correct it. The question written here in the book is, heat is evolved during the reaction between hydrochloric acid and sodium chloride. Why? Now you have to correct it. Instead of sodium chloride, it must be sodium hydroxide. क्योंकि सोडियम क्लोराइड तो सॉल्ट है और एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एसिड. तो एसिड और सॉल्ट की जब रिएक्शन होती है तो कुछ भी नहीं होता है, नथिंग हैपन्स. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड रिएक्ट्स विद द बेस, बेस के साथ रिएक्ट करता है. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस. तो इंस्टेड ऑफ सोडियम क्लोराइड यू हैव टू राइट सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, सो द क्वेश्चन बिकम्स, हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. वाई, क्यों प्रोड्यूस होती है हीट? व्हाइल स्टडिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मैंने आपको बताया था ना कि जब मैंने एक्सपेरिमेंट आपको बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करने पे हमारी टेस्ट ट्यूब वार्म हो जाती है. क्यों हो जाती है? क्योंकि हीट इवॉल्व होती है. और हीट कब इवॉल्व होगा? ऑब्वियसली जो रिएक्शन हो रही है उसका टेम्परेचर, मिक्सचर जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. तो दिस इज द रीजन वाई द हीट इज इवॉल्व. जो मिक्सचर है किस चीज का? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का. जब हम टेस्ट ट्यूब में डालते हैं तो उस मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, रेज हो जाता है, एंड दैट्स वाई द टेस्ट ट्यूब बिकम्स हॉट एंड द हीट इज इवॉल्व. सो द आंसर इज, द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, क्योंकि एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन है. ड्यूरिंग विच द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इंक्रीजेस. रिएक्शन मिक्सचर कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर. टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है एंड दस हीट इज इवॉल्व, और इसलिए हीट इवॉल्व होती है. थर्ड क्वेश्चन इज, अ फार्मर एड्स क्विक लाइम टू हिज फील्ड. वाई? दिस आई ऑल्सो हैव एक्सप्लेन अर्लियर. क्विक लाइम क्या है? क्विक लाइम बेस है. तो फार्मर क्विक लाइम फील्ड में क्यों यूज करता है? बिकॉज फील्ड्स में फार्मर यूजेस फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं. एंड बाय द यूज ऑफ दीज फर्टिलाइजर्स द एसिडिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस. एसिडिटी सॉइल की इंक्रीज हो जाती है जिससे प्लांट की ग्रोथ हार्म होती है. प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है ज्यादा एसिड सॉइल में, ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होने से. तो हम बेस कब यूज करते हैं? टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड. सो इट्स द आंसर इज वेरी सिंपल, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ
acid in the soil, the farmer uses the quicklime. See the answer. A farmer adds quicklime to his field to neutralize the effect of acids present in the soil. Soil में जो acid present है उनको neutralize करने के लिए due to excessive use of chemical and organic fertilizers. Chemical और organic fertilizers use करने से जो soil में acidity increase हो गई थी उसको neutralize करने के लिए quicklime use किया जाता है. Now coming to next exercise M, that is the value based question. It is the factory wastes are treated by a factory owner to neutralize them before allowing the wastes to flow into water bodies. What value can you learn from factory owner? Factory का एक owner है तो उसके factory के जो wastes produce हो रहा है वो न्यूट्रलाइज करता है वेस्ट को बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू द वाटर. वाटर में डिस्चार्ज करने से पहले दिस आल्सो वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. जो फैक्ट्री वेस्ट्स होते हैं इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ एसिडिक सब्सटेंसेस. बहुत सारे एसिडिक सब्सटेंसेस उसमें प्रेजेंट हैं तो एसिडिक सब्सटेंसेस होने से जब उनको वाटर में डिस्चार्ज किया जाता है तो इट हैम्पर्स द लाइफ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं दैट लिव्स इन वाटर उनकी उनको किल कर सकते हैं वो एसिडिक सब्सटेंस. तो उनको प्रिवेंट करने के लिए न्यूट्रलाइज किया जाता है फैक्ट्री वेस्ट. तो इससे फैक्ट्री ओनर की क्या वैल्यू पता चल रही है? ये वैल्यू पता चल रही है कि उसको नॉलेज है. किस चीज़ की नॉलेज है? कि एनवायरनमेंट को कैसे सेफ रखा जाए, कैसे हम एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं. एक बैलेंस होता है ना एनवायरनमेंट का, प्रॉपर एक सब चीज़ होती रहती है एनवायरनमेंट में तो नेचर का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है. तो हम बोल सकते हैं कि जो ओनर है वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है और केयरिंग है या सिंपथेटिक है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट. सो द आंसर इज the factory owner knows the value of conservation of environment. Environment conservation की value पता है कि हम environment conserve करेंगे तो ही हम benefit में रहेंगे. क्योंकि अगर environment का balance disturb हो गया तो drastic things can happen. It means he is knowledgeable and sympathetic towards the nature. Knowledgeable है और nature के प्रति sympathetic है, means sympathy है कि अगर nature को कुछ हो गया तो it will ultimately not be beneficial to us. हमारे लिए भी वो beneficial नहीं होगा. So this is all for today's video. Here we have completed this lesson, lesson number 7, lesson number 5, acids, base and salts. Tomorrow we are going to start the new lesson, that is physical and chemical changes. Please complete all your work of this lesson. This lesson ka jitna bhi pending work hai aapka pehle ka, isko complete kar lijiye. So thank you and have a very nice day.